ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु के पैर क्यों दबाती है लक्ष्मी? लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा हर किसी को होती है। लक्ष्मी कृपा के लिए भगवान विष्णु की कृपा पाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि लक्ष्मी उन्हीं के चरणों में रहती है। शास्त्रों में या भगवान विष्णु की किसी भी तस्वीर को देखें तो आप पाएंगे कि माँ लक्ष्मी सदैव उनके चरणों में बैठी, उनके चरण दबाती ही दिखती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जब महिला पुरुष के चरण दबाती है तो धन लाभ होता है, क्योंकि महिला के हाथ में देवगुरु और पुरुष के पैरों में दैत्य गुरु का वास है। क्या ऐसा मानना सही है या फिर ये एक अंधविश्वास है, और क्या ऐसा हमारे सामान्य जीवन में भी होता है? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान कचरे के समान होता है। और भगवान विष्णु के इस वीडियो में हमने 5 लाख लाइक्स का टारगेट रखा है, इसलिए जो भी देखे कृपया लाइक जरूर करें। इस बारे में एक पौराणिक कहानी है कि देवर्षि नारद ने एक बार धन की देवी लक्ष्मी से पूछा कि आप हमेशा श्री हरि विष्णु के चरण क्यों दबाती रहती हैं? इस पर लक्ष्मी जी ने कहा, ग्रहों के प्रभाव से कोई अछूता नहीं रहता, वह चाहे मनुष्य हो या फिर देवी देवता। महिला के हाथ में देवगुरु बृहस्पति वास करते हैं और पुरुष के पैरों में दैत्य गुरु शुक्राचार्य। जब महिला पुरुष के चरण दबाती है तो देव और दानव के मिलन से धन लाभ का योग बनता है, इसलिए मैं हमेशा अपने स्वामी के चरण दबाती हूँ। मित्रों, लक्ष्मी उन्हीं के पास में रहती है जो हमेशा सभी के कल्याण का भाव रखता है। विष्णु के पास जो लक्ष्मी है वह धन और संपत्ति है, भगवान श्री हरि उसका उचित उपयोग जानते हैं। इसी वजह से महालक्ष्मी श्री विष्णु के पैरों में उनकी दासी बनकर रहती है। इस कथा के अलावा कुछ लोगों का इस विषय में अलग मानना है। हिंदू पौराणिक दस्तावेजों के अनुसार माता लक्ष्मी की एक बहन है अलक्ष्मी। जहां देवी लक्ष्मी धन, सौभाग्य और वैभव की देवी है, वहीं अलक्ष्मी दरिद्रता, निर्धनता आदि का प्रतीक कही जाती है। भगवान विष्णु को पालनहार कहा जाता है, जिनका दायित्व घर परिवार समेत पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करना है, और देवी लक्ष्मी इन्हीं पालनहार को दरिद्रता और दुर्भाग्य से बचाने के लिए उनके चरणों में बैठी है। अलक्ष्मी लक्ष्मी देवी की बड़ी बहन है। बेहद कुरूप होने की वजह से उनका विवाह भी नहीं हो पाया। कहा जाता है कि जहां जहां देवी लक्ष्मी जाती है, अलक्ष्मी उनके पीछे पीछे वहां पहुंच जाती है, कभी अपने स्वरूप में तो कभी देवी लक्ष्मी की सवारी उल्लू के स्वरूप में। अलक्ष्मी अपनी बहन लक्ष्मी से बेहद ईर्ष्या रखती है, वह बिल्कुल भी आकर्षक नहीं है। उनकी आंखें भड़कीली, बाल फैले हुए और बड़े बड़े दांत हैं। यहाँ तक कि जब भी देवी लक्ष्मी अपने पति के साथ होती है, अलक्ष्मी वहां भी उन दोनों के पास पहुंच जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार अपनी बहन का ये बर्ताव देवी लक्ष्मी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने अलक्ष्मी से पूछा, तुम मुझे और मेरे पति को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? तुम क्यों मेरे पति के पास जाना चाहती हो? इस पर अलक्ष्मी ने जवाब दिया, मेरे पास पति नहीं है और कोई भी मेरी आराधना नहीं करता, इसलिए जहां जहां तुम जाओगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। इस पर देवी लक्ष्मी अत्यंत क्रोधित हो गई और क्रोध के आवेग में उन्होंने अलक्ष्मी को श्राप दिया, मृत्यु के देवता तुम्हारे पति हैं, और जहां भी गंदगी, ईर्ष्या, लालच, आलस, रोष और अस्वच्छता रहेगी तुम वहीं रहोगी। इस प्रकार भगवान विष्णु और अपने पति के चरणों में बैठकर माता लक्ष्मी उनके चरणों की गंदगी को दूर करती है, ताकि अलक्ष्मी उनके निकट भी ना जा सके। यहाँ माता लक्ष्मी एक देवी नहीं बल्कि एक पत्नी की भूमिका में है, जो अपने पति को पराई स्त्री से दूर रखने की हर संभव कोशिश कर रही है। इस तरह देखा जाए तो हिंदू पौराणिक इतिहास जितना स्पष्ट है उतना ही ज्यादा प्रतीकात्मक भी। इन प्रतीकों को हम अपनी अपनी सहूलियत के अनुसार परिभाषित कर लेते हैं। यहाँ देवी लक्ष्मी, अलक्ष्मी और भगवान विष्णु की कहानी को सौभाग्य और दुर्भाग्य के साथ जोड़कर समझा जा सकता है। माना जाता है सौभाग्य और दुर्भाग्य एक साथ चलते हैं और एक ही साथ पहुंचते हैं। जब आपके ऊपर सौभाग्य की वर्षा होती है, तब दुर्भाग्य भी निकट बैठे हुए अपने लिए एक अवसर की तलाश कर रहा होता है। अलक्ष्मी भी कुछ इसी तरह घर के बाहर बैठकर लक्ष्मी के जाने का इंतजार करती है कि वो जाए तो अलक्ष्मी को घर के भीतर जाने का मौका मिले। जहां भी गंदगी मौजूद होती है, वहां लालच, ईर्ष्या, पति पत्नी के झगड़े, अश्लीलता, क्लेश और कलह का वातावरण बन जाता है।
जो कि अलक्ष्मी के प्रवेश की निशानी है। अलक्ष्मी को दूर रखने और लक्ष्मी को आमंत्रित करने के लिए घर में सफाई के साथ साथ नित्य पूजा पाठ और हवन और धूप दीप का धुआं किया जाना चाहिए, ताकि घर और घर के लोगों को किसी भी प्रकार की नकारात्मकता और दुर्भाग्य से दूर रखा जा सके। मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके 5 लाख लाइक्स के टारगेट को अचीव करने में हमारा साथ दें। भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं, और हर वीडियो में ऐसे सवालों का जवाब दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।